मेकअप्स और नो मेकअप्स, मेकअप्स और स्किन केयर को बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जब हम बहुत रेगुलरली कोई एक ऐसे प्रोफाइल में हैं जहाँ हम रेगुलर मेकअप्स अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन केयर भी रेगुलर होनी चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मेकअप स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए, जैसे ड्राई हार्श वेदर में हम लोग देखते हैं कि स्किन बहुत ड्राई बिहेव कर रही है, सो मेकअप्स नरिशिंग क्रीम्स के बाद ही अप्लाई करने चाहिए। सेकेंड, अगर कुछ एलर्जी कंडीशंस हैं जहाँ पे स्किन बहुत सेंसिटिव बिहेव कर रही है, बहुत लंबे टाइम से इरिटेबल रह रही है, तो भी मेकअप्स अवॉइड करने चाहिए। एंड ऑल्सो हम लोग ये देखते हैं ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा, अगर स्किन पे कॉमेडोन्स बने हुए हैं विच आर लाइक ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो भी वी शुड नॉट बी कवरिंग इट अप। रादर हम लोगों को एक्सफोलिएशन के बारे में सोचना चाहिए। एंड देन देर आर लॉट ऑफ अदर चेंजेस, जैसे कई बार इंटरनल चेंजेस की वजह से, हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ पिगमेंट अपीयर हो रहा है या कुछ ऐसी चेंजेस अपीयर हो रहे हैं स्किन में, तो वी शुड गो फॉर द करेक्शन फर्स्ट। एंड ऑल्सो अगर बहुत ट्रैवल हो गया है, ट्रैवलिंग के बाद टैनिंग है, सन एक्सपोजर अगर बहुत लंबा हो गया है और स्किन टैंड है, तो इमीजिएटली आफ्टर दैट वी शुड वेट फॉर टैनिंग टू गेट रिवर्स्ड और उसको कवर अप नहीं करना चाहिए। नाउ स्किन केयर की बात करें तो हमें बड़ा पर्टिकुलर रहना होता है जब हम रेगुलर मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं। हमें स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना चाहिए, स्किन को वेल नरिश रखना चाहिए, प्रॉपर स्किन को हाइड्रेशन के बाद रेस्ट का टाइम रहना चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और क्लेंजिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम रात को अपने पोर, जितने भी प्राइमर्स हम लोग मेकअप्स में यूज़ करते हैं वो पोर्स को क्लॉक करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्लेंजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम रात को एक डीप क्लेंजिंग करके स्किन को रेस्ट में डालें और नरिश करें आफ्टर सम टाइम। एंड देर आर अदर वेज कि जहाँ पे हमें लगता है कि डैमेज इज क्वाइट यू नो डीपर, तो हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि वंस इन अ मंथ लाइक केमिकल एक्सफोलिएशन आप ले सकते हो, विच आर लाइक केमिकल पील्स, यू नो दे सटल एक ऊपर वाली डेड लेयर को रिमूव कर देता है और स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, एंड देन यू फील रियली स्मूथ ऑल्सो आफ्टर मेकअप। एंड देर अदर लाइक पिकोजेनेसिस हम लोग करते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ओपन पोर्स एंड एक्सफोलिएशन, एंड यू नो यू कैन ऑलवेज कॉल अस, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप हम लोग एनालाइज करेंगे एंड वी कैन सी वट ऑल प्रोटोकॉल्स सूट्स यू द बेस्ट। थैंक यू।